हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर यूपी टेट टॉप 100 क्वेश्चन आपके अंतिम क्षणों के लिए हम लेकर आए हैं, जिसका अब भाग छठवां जारी हो रहा है, जिसमें कुछ अगले प्रश्नों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और देखिए, जो मैंने प्रश्न पैटर्न बनाया था उसमें कुछ लास्ट में जानती, फिर लास्ट में कुछ बेसिक प्रश्न, मैंने शुरुआत में कुछ अच्छे प्रश्न आपको दे दिए। अब इसमें कुछ जानती के प्रश्न, ऐसा पैटर्न मैंने सेट किया है कि जो कि आपके कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में बराबर बनते रहे हैं। इवन ये जो आप पहला प्रश्न इस श्रृंखला का देख रहे हैं, इसी पैटर्न का प्रश्न आपके लिखित शिक्षा भर्ती परीक्षा में आया था। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रश्न हम यहाँ पर रख रहे हैं, वो मोस्ट रिक्वायर्ड प्रश्न जो परीक्षा अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बराबर पूछे जाते रहे हैं, उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये सारे प्रश्न सेट हमने तैयार किया है। और आपके लिए जो प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं, यदि एक एक प्रश्न पर आप फोकस कर लीजिए तो बेहतर, आप अपना स्कोर कुछ हद तक, नहीं बहुत हद तक, इंक्रीज करके आएंगे। तो चलिए, अब इस श्रृंखला का ये जो प्रश्न है, किसी वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। मतलब यहां पे हमें दो जानकारियां दिया है, एक तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है, और जो वृत्त का केंद्र है उससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींचा गया है, तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी। चलिए, यहां पर ध्यान देना, एक छोटा सा थ्योरम है, हम इसे नोट भी कर देंगे, और ये रिक्वायर्ड प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में बराबर इस स्ट्रक्चर का प्रश्न बनता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, जैसे ये एक कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और इसके केंद्र, जैसे इसका केंद्र हमने ओ मान लिया, तो वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींचा गया है। तो चलिए, यहां से मान लिया ये वृत्त, ये है 3 सेंटीमीटर, और ये जीवा खींचा गया। थोड़ा ध्यान देना, ये ओडी हमने मान लिया और ये जीवा एबी है। तो बड़े ध्यान से देखना कि ये कोई वृत्त का केंद्र है, और इस वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, जैसे ये केंद्र है तो केंद्र से ये 3 सेंटीमीटर की दूरी है, ओ से डी तक ये केंद्र से कितना डिस्टेंस है, 3 सेंटीमीटर, और केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, वृत्त की जीवा है एबी। तो इस जीवा एबी की लंबाई क्या होगी जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की रेडियस जनरेट करिएगा, और वृत्त की त्रिज्या जो होगी, आप बड़े ध्यान से देखना, ये वृत्त की त्रिज्या होगी कितनी, क्योंकि केंद्र से परे तक की दूरी त्रिज्या कहलाता है। तो ये केंद्र ओ है और ए है, तो ये ओ से ए तक रेडियस है। ये मैंने रेडियस यहां क्यों बनाया, यहां क्यों नहीं बनाया, ताकि एक त्रिभुज का निर्माण हो सके जिससे हम आसानी से डिफाइन कर सके। तो ये रहा त्रिज्या जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो अच्छा, बड़े ध्यान से देखना, आपको बता दें एक थ्योरम है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस थ्योरम को नोट कर लीजिएगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये वृत्त का केंद्र है, यहां से हमने ये जीवा पर लंब रखा है जो कि 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब वृत्त के केंद्र से ये जीवा पर जो लंब डाला जाएगा, ये जीवा को समद्विभाजित करेगा। मतलब ये है, जितना ए डी होगा उतना ही डी बी होगा। तो अब आप समझ गए हैं कि इस जीवा ए बी की लंबाई कैसे आएगा। ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ओ डी ए एक ऐसा त्रिभुज है, ये समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और समकोण त्रिभुज में हमें लंब पता है और कर्ण पता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण। तो आधार AD निकाल लीजिए, और जब आधार जितना AD होगा उतना ही BD होगा, तो जीवा AB आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए, यहां से देखें, इसमें AD आधार है, और आधार बराबर हो जाएगा कर्णी में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 90 डिग्री के सामने 5, माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है तो 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में 9 घटाएंगे 16, और 16 का वर्गमूल आएगा 4 सेंटीमीटर। तो A से D तक 4 है, तो इधर भी कितना होगा 4, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जब जीवा AB पर लंब डालेंगे तो जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर, वृत्त के केंद्र से जब जीवा AB पर आप लंब डालेंगे OD,
तो ये जीवा को समविभाजित करेगा, मतलब जितना एडी होगा उतना ही बीडी होगा। तो एडी 4 सेंटीमीटर आया तो बीडी भी 4 होगा, तो जीवा एबी की लंबाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। इसलिए जीवा एबी की लंबाई क्या होगी? जीवा एबी की लंबाई ये 2×4 बराबर कितने सेंटीमीटर होगा? 8। 2×2 क्या? क्योंकि जितना इधर उतना इधर, तो जीवा जो एबी होगी उसकी लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर, आपके ऑप्शन बी में। तो ये प्रश्न बड़े ध्यान से देखिएगा, इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में रखा जा सकता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आ जाएं। प्रश्न दिया है कोई चतुर्भुज है जिसमें चतुर्भुज एबीसीडी है जिसमें कोण ए कोण बी कोण सी और कोण डी का रेशियो दिया है 2:1, 1:4, 3 है, तो कोण सी का माप बताना है। आप जानते हैं किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था जैसे ये कोई चतुर्भुज है चाहे जिस स्थिति का, इसमें मैक्सिमम एक शीर्ष से केवल एक विकर्ण डाल सकते हैं, मतलब त्रिभुज दो बटेंगे और एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, तो दो का कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो ये हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोण ए कोण बी कोण सी और कोण डी का योगफल 360 होता है। तो कोण ए कोण बी कोण सी और कोण डी का रेशियो दे रखा है 2:1, 1:4, 3 अनुपात दो या दो से अधिक राशियों में संबंध बताता है। ये बता रहा है कि कोण ए यदि 2 होगा तो कोण बी 1 होगा और कोण सी 4 होगा और कोण डी 3 होगा। तो स्पष्ट है, हमने मान लिया कोण ए 2x है तो कोण बी x है, कोण सी 4x है और कोण डी कितना है? 3x है, क्योंकि अनुपात में संख्याओं के महसब से गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त होती है। तो इन चारों का योगफल देखिए, हम ऐसा करते हैं कोण ए 2x है, अब कोण बी, ये स्पष्ट है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी का योगफल 360 होगा। तो कोण ए 2x हो गया प्लस कोण बी कितना? x हो गया, और कोण सी कितना? 4x और कोण डी 3x बराबर 300। तो 2x और 1x कितने हो गए? चलिए मैं साइड में जा रहा हूं, 2x और 1x 3x और 4 7x 7 और 3 10x, तो 10x बराबर 360, तो x बराबर 36। इसलिए हमसे पूछा गया है कोण सी, और कोण सी कितना है? 4x, तो 4×x का मान 4×6=24, 2×4=12, 144 डिग्री आपके ऑप्शन डी में बतलाया हुआ है। तो हमारा यहां पे ऑप्शन कौन सा होगा? डी। तो चलिए एक अगले प्रश्न की ओर आ जाए। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। वैसे हम जानते हैं कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। मतलब स्पष्ट है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों के गुणनफल का आधा, मतलब दोनों विकर्णों का गुणा कर लीजिए और उसका आधा कर दीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दोनों विकर्ण हमें प्रश्न में ज्ञात है? नहीं, हमें प्रश्न में केवल एक ही विकर्ण पता है 8 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? हमें एक भुजा पता है और एक विकर्ण पता है, तो समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण में संबंध होता है। पर मैं फिर से पढ़ते रहा हूं, आप जानते भी हैं मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं इस सेंस को कि किसी समचतुर्भुज में भुजा के वर्ग का 4 गुना इसके दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब समचतुर्भुज में भुजा के वर्ग का 4 गुना कर दीजिए, मतलब जितनी भुजा दिया गया है उसका वर्ग करके 4 गुना कर दीजिए, तो ये इसके दोनों विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होगा। मतलब ये होता है, सॉल्यूशन देखिएगा, 4a का स्क्वायर बराबर पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, मतलब भुजा के वर्ग का 4 गुना, हमने भुजा a माना है तो भुजा के वर्ग का 4 गुना दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 4×a का मान दिया है, प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो a का मान कितना है? 5 है समचतुर्भुज की। d1 मतलब पहला विकर्ण, एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, ये प्रश्न में जानकारी के रूप में दिया है।
तो 8 का स्क्वायर, लेकिन d2 नहीं पता है, d2 ही निकालना है। तो अब देखिए कैसे हल करिएगा, बड़े ध्यान से कैलकुलेशन देखिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 का गुणा 4 में 100, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 का गुणा 4 में गुणा करें तो 100, 8 का स्क्वायर 64 इधर माइनस हो जाएगा, ये बराबर d2 स्क्वायर। अब देखिए 100 में 64 घटाएंगे 36 आएगा, 100 में 64 घटाएंगे 36, तो d2 स्क्वायर बराबर 36, इसलिए d2 का स्क्वायर बराबर आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए d2 भी मिल गया 6 सेंटीमीटर। जानकारी कंप्लीट हो गया, एक विकर्ण आपके प्रश्न में ही दिया है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ दोनों विकर्णों का गुणनफल, पहला विकर्ण 8 दिया है, दूसरा विकर्ण 6, कितना है 24 वर्ग सेंटीमीटर, 2 से 4 बार में कट गया, 4 छक्के 24। तो ये आसान प्रश्न था, बस भुजा और विकर्ण में संबंध क्या होता है समचतुर्भुज में, पॉइंट को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो अभी एक इस क्रम के अगले पड़ाव पर आए, प्रश्न संख्या 64 पर, इसमें दिया है कि एक कोई पंचभुज है और उसके चार कोणों के मान दिए गए हैं, पांचवें कोण का माप आपसे पूछा गया। तो पहले तो सवाल ये उठता है कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का। हमने बहुभुज वाले सेक्शन में बताया था कि जब सभी अंतःकोण का योगफल निकालना हो तो पहले त्रिभुज की संख्या डिफाइन करिएगा, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये चार भुजाएं हैं तो इसमें किसी एक सिर से एक ही विकर्ण आएंगे, मतलब दो त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180, तो दो का कितना हो गया 360। यदि पंचभुज की बात करें तो पंचभुज में यहां से दो विकर्ण डाल सकते हैं, मतलब त्रिभुज तीन बटेंगे, और एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, तो 3 का 18 3 54, 540। तो आप समझ गए, मैंने बताया भी था कि उतने ही त्रिभुज बनेंगे जितने भुजा की संख्या से दो कम, मतलब जब त्रिभुज डिफाइन करेंगे तो भुजा की संख्या से दो कम होता है। तो अब हम देखें कि पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग क्या होगा, पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग कैसे निकालेंगे, अंतःकोण का योग मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे, जितनी भुजा को दो कम करिए त्रिभुज आ जाएगा, 180 से गुणा करिए, तो यहां पर भुजा कितना है 5, तो 5 में दो कम करेंगे तो 3 गुणा 180, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 होता है। यह आपकी यूपीटेट में पूछा भी गया है कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा, तो आसान सीरीज था। लेकिन अब देखिए पंचभुज के सभी पांचों अंतःकोण, सभी मतलब पांचों अंतःकोण का योग 540 है, तो जिसमें पांचवा कोण पूछा है जबकि चार कोण ये बतलाया है, तो चलिए हम देखें क्या होगा। पहला 130 है, दूसरा 85 है, तीसरा 108 है, चौथा 82 है, पांचवा यक्ष मानिए, और पांचों अंतःकोणों का योग किसके बराबर होगा 540। तो यक्ष किसके बराबर होगा 540 माइनस, अब इन सबको यदि जोड़ दें तो 2 और 8 10, 10 5 15, यहां से लगाइए 8 1 9, 9 8 17, 17 3 20, 0 कैरी 2, 2 1 3 और 8 4, कितना है 10 में से 5 के 5 3, कितना है 135 डिग्री, ये कैलकुलेशन आपका पूरा हुआ। तो बहुत ही आसान है, पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योग कितना होता है, सूत्र होता है बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग n माइनस 2 गुणा 180, तो n 5 है, तो 5 में 2 घटाएंगे 3, 3 का गुणा 180 में करेंगे 540 आएगा। अब पांचों अंतःकोण के योग है ये, जिसमें चार अंतःकोण के मान दिए गए हैं, पांचवा पूछा है, पांचवा हमने x माना, बराबर 540, ये कैलकुलेशन मैंने कंप्लीट किया। तो चलिए सीरीज के अगले प्रश्न पर आ जाएं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर जो प्रश्न संख्या 65 है, इसमें दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो जीवा के केंद्र से दूरी बताइए। तो जब भाग छठवें की शुरुआत की तो जो पहला प्रश्न उसमें मैंने बताया था, बिल्कुल वही पैटर्न का प्रश्न है, रिक्वायर्ड प्रश्न था जिसे मैंने रिपीट कर दिया, दो प्रश्न इस पर बैक टू बैक अलग अलग सीरीज में दे दिए। तो चलिए फिर से ध्यान दीजिएगा कि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जैसे ध्यान देना
ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। चलिए मान लिया ये जीवा है AB और इस AB की जो लंबाई है ये बराबर है किसके 12 सेंटीमीटर के। ये वृत्त की जीवा है AB जिसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त का केंद्र O है। अच्छा इस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो इस जीवा की केंद्र से दूरी बताइए। बताइए जो जीवा है AB ये केंद्र से कितना दूर है। जैसे ये केंद्र है तो ये केंद्र से कितना दूर है। जीवा जो AB है वो केंद्र से कितना दूर है यही पूछा गया है। इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी जबकि रेडियस दिया है। त्रिज्या यहां देखिए केंद्र से परिधक की दूरी त्रिज्या होगी जो कि कितना है 10 सेंटीमीटर। अच्छा जीवा 12 सेंटीमीटर है तो आप क्या जानते हैं। मैंने आपको क्या बताया था। हमने आपसे ये कहा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये वृत्त का केंद्र है और यहां से इस जीवा AB पर हमने लंब डाला है OD तो ये जीवा समद्विभाजित होगी मतलब जितना इधर होगी उतना इधर। तो अच्छा जीवा AB बराबर कितना है। AB बराबर 12 है तो इधर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा इधर भी कितना हो जाएगा 6। तो अब बताइए केंद्र से इस जीवा की दूरी बता सकते हैं नहीं। ये जीवा जो है AB इसकी केंद्र से क्या डिस्टेंस है। तो आप त्रिभुज OD ले लीजिए बहुत ही आसान है। ये त्रिभुज समकोण है राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमें लंब OD बताना है और लंब बराबर करड़ी में कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है OA कर्ण क्या है और माइनस आधार क्या है। तो कर्ण OA का मान कितना है 10 10 का स्क्वायर कितना 100। चलिए मैं डायरेक्ट 100 लिख दे रहा हूं। माइनस AD का स्क्वायर AD 6 है 6 का स्क्वायर 36 घटाएंगे 64 का वर्गमूल कितना है 8 सेंटीमीटर होगा। ये आपके ऑप्शन सी में है तो बहुत ही आसान है। OA का स्क्वायर OA कर्ण है कर्ण 10 का स्क्वायर 100 हो गया माइनस AD आधार है 6 का स्क्वायर 36 हो गया घटाया 64 का वर्गमूल 8। चलिए पैटर्न को फिर आगे बढ़ाते रहे तो इस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझिएगा। आपने देखिए अगला जो प्रश्न यहां पर देखा एक एन भुजा वाला बहुभुज है इसकी भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर बहिष्कोणों का योग क्या होगा। मतलब एन भुजा है बहुभुज में। अच्छा इस तरीके से थोड़ा ध्यान देना। जैसे ये मान लिया इसमें एन भुजा है एन भुजा इसमें कुछ भी कर दीजिए है ना। अच्छा ये मैंने यन के स्थान पर 6 ही रखा लेकिन इससे समझ में आ जाएगा। और इसकी प्रत्येक भुजा को एक ही ओर आगे बढ़ाया गया है ना। चलिए इसकी प्रत्येक भुजा को हमने क्रम के अनुसार आगे बढ़ाया है तो इसके एक ही क्रम में बढ़ाने पर बहिष्कोणों का योग जितने भी बाहर वाले कोण हैं। अच्छा ये यदि हम समषट्भुज कहते 6 हो जाए तो इसके सभी अंतर कोण का योग 720 होगा क्योंकि 6 भुजा है जबकि 6 नहीं कहा है यन कहा है लेकिन 6 से समझ लीजिए बेहतर समझ में आ जाएगा। तो 6 भुजा है तो 4 त्रिभुज बनेंगे एक त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 तो 4 का 720 मतलब षटभुज के सभी अंतर कोणों का योगफल 720 होता है तो इसका प्रत्येक अंतर कोण कितना हो जाएगा 120। तो अच्छा ये अंदर 120 कोण है तो ये बाहर कितना हो जाएगा 60। अच्छा इधर भी अंदर 120 है तो बाहर कितना हो जाएगा 60। ये भी बाहर 60 क्योंकि समषट्भुज है 60 60 है ना। तो 6 6 12 18 24 30 36 360 डिग्री। अच्छा आपको बता दें चाहे 5 भुजा हो 6 7 8 10 या एन भुजा हो उसके सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा बहुभुज वाले टॉपिक में मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से इसे बताया था चाहे देख सकते हैं। तो यदि इस तरीके से यन भुजा है तो ये बहिष्कोण थीटा 1 है थीटा 2 है थीटा 3 है और आपको बता दें इसी तरीके से थीटा 4 थीटा 5 थीटा यन ये बराबर 360 ही होगा है ना। बस इतना ध्यान देना कि किसी यन बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। बस आप सब मिलान कर लीजिए यन भुजा वाला बहुभुज है इसकी भुजाओं के एक ही ओर बढ़ाने पर बहिष्कोणों का योगफल क्या होगा तो 360 डिग्री होगा। कौन से ऑप्शन में यह समकोण नहीं
यन समकोण तो नहीं, टू यन समकोण बिल्कुल नहीं, चार समकोण हाँ, क्योंकि एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, एक समकोण बराबर 90, तो यन भुजा के सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री में कितने समकोण होंगे, चार। तो ये थ्योरी बिल्कुल माइंड में रखिएगा कि यन बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो चलिए इस पैटर्न को फिर से हम आगे बढ़ाते रहे। प्रश्न संख्या 67 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि 10 भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या है। 10 भुजा का एक बहुभुज है जिसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो आप जानते हैं विकर्णों की संख्या मैंने डिफाइन किया था बहुभुज के सेक्शन में, और आपको बताया था कि किसी बहुभुज में बने विकर्णों की कुल संख्या किसी एक शीर्ष से खींचे गए विकर्ण एवं भुजाओं की संख्या के आधे के गुणनफल के बराबर होता है, और किसी एक शीर्ष से मैक्सिमम कितने विकर्ण खींच सकते हैं, जितनी भुजा होगी उससे तीन कम। जैसे हम आपसे कहते हैं यन भुजा है तो तीन कम और गुणा भुजाओं की संख्या के आधा, मतलब विकर्णों की कुल संख्या किसी एक शीर्ष से खींचे गए विकर्ण एवं भुजाओं की संख्या के आधे के गुणनफल के बराबर होता है। ये विकर्णों की संख्या का सूत्र है n माइनस 3 इंटू n बाई 2, ये होता है n जहां भुजा है। तो 10 भुजा का बहुभुज है उसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी ये पूछा है, तो 10 भुजा है तो अब यहां पे n का मान 10 रख दीजिए, 10 माइनस 3 7 हो गया, अगुणा 10 बटे 2, 10 बटे 2 का मतलब कितना हुआ 5, तो 10 में से 3 घटाएंगे 7 गुणा 5 बराबर 35। तो बहुभुज का सेक्शन आपने देखा है, काफी दिन से मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसमें विकर्णों की संख्या को मैंने वहां पे डिफाइन किया था, तो यहाँ पे विकर्णों की संख्या 35 है। चलिए अभी फिलहाल तो ऑप्शन सी से ही मुलाकात हो रही है इस तीनों में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं परीक्षा में आप करिएगा। देखिए ये शुरुआती सीरीज में आज के इस छठवें भाग में शुरुआती क्रम में हमने ये पहले से ही सेटअप किया था प्रश्न का, कि ज्यामिति वाले जो प्रश्न है लास्ट में 10-12 प्रश्न आपके हेल्प के लिए दे दिए जाए, और बीच बीच में मैंने इसके पीछे वाले सीरीज में भी रखा है, तो आप इस पार्ट को देखते रहे, एक अगले प्रश्न की ओर आ जाए। प्रश्न संख्या 68, इसमें लिखा हुआ है कि एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, मतलब यदि त्रिज्या 3 होगी तो ऊंचाई कितनी होगी 4 होगी, क्योंकि ये अनुपात है, अनुपात दो या दो से अधिक राशियों में संबंध बताता है। तो ये कह रहा है कि यदि शंकु की त्रिज्या 3 होगी तो ऊंचाई कितनी होगी 4 होगी, तो हमने मान लिया, माना शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई क्रमशः, इस शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई क्रमशः कितना कितना है, शंकु की त्रिज्या 3 होगी तो ऊंचाई 4, हमने माना त्रिज्या 3x होगी तो ऊंचाई कितनी होगी 4x सेंटीमीटर। तो चलिए यहां से ध्यान देने, आयतन 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो तो तिर्यक ऊंचाई बताइए। तो देखिए आयतन दिया है 96 पाई, अच्छा शंकु का आयतन आयतन दिया हुआ है, चलिए मैं एक एक पार्ट लिख दे रहा हूं, आयतन है 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पहले हम तो ये पूछेंगे कि आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर गुणा एच। तो चलिए देखें 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 3x, तो 3x गुणा 3x इनटू h, h कितना है 4x बराबर कितना, फिर से सुनिए जरा, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या 3x है तो स्क्वायर करेंगे दो बार गुणा करेंगे गुणा h कितना है 4x बराबर 96 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हिसाब क्या बचा, अभी x गुणा x गुणा x हमें तीन बार गुणा करना है, तो x गुणा x गुणा x कितना हो गया x क्यूब गुणा 3 चौके 12 बराबर कितना 96, तो 12 से 8 बार में, तो x क्यूब बराबर 8, तो x बराबर आ गया 2।
x बराबर 2 आ गया, मतलब त्रिज्या कितनी हो गई, 3x है, तो 3x मतलब x का मान 2 रख दीजिए तो 2 3 6 सेंटीमीटर हो गया। अब ऊंचाई 4x है तो x का मान 2 रखेंगे तो 2 4 के कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछा है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई होता है करड़ी में h2 + r2, मतलब ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का। तो ऊंचाई 4x है तो x का मान 2 रखेंगे तो 2 6 8 का स्क्वायर और प्लस त्रिज्या 6 है, 6 का कितना है 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, 64 + 36 = 100, 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या ऊंचाई होगी ऑप्शन सी में। तो एक बार इस पार्ट को अच्छे से फिर से देखिएगा। तो यहां पर एक एक प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपके इस अंतिम समय के लिए आज शुक्रवार है और आज तक में ही मैं पूरा ये 100 क्वेश्चन पूरा करा दूंगा और कल तक आपके पास समय है, तो अन्य विषय पर भी आपको फोकस करना होता है। तो समय निकाल के यदि आप एक बार पूरा वीडियो ध्यान से केवल देखते जाइएगा, आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है कि इसमें पॉइंट नोट करें फैक्ट नोट करें, बस ध्यान से एक एक पार्ट को सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, जो थ्योरी सेंस में बीच में प्रयोग कर दे रहा हूँ, और कैलकुलेशन का हिसाब देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन चलने की प्रोसेस क्या है। एक एक कैलकुलेशन पर फोकस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी इंक्रीज होगा, ये उम्मीद करते हैं। चलिए आगे की सीरीज में फिर से बढ़ें, अगला प्रश्न हम यहाँ से लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो इस क्रम का चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। लिखा हुआ है कि a star b बराबर 2 within bracket a plus b, ऐसे प्रश्न संकेतक के रूप में एक्सेप्ट किए जाते हैं, मतलब a star b को आप कह सकते हैं इस प्रश्न में रिप्रेजेंट कर रहा है कि बराबर है 2 within bracket a plus b के, मतलब ये आपको संकेत दे दे रहा है, हिंट दे दे रहा है, आपको ये कह रहा है कि यदि ऐसा सेंस दिखे कि दो पर्टिकुलर क्रम के बीच में स्टार लगा हो तो उसका मतलब है 2 और इनटू इन दोनों का योगफल। तो ये संकेत दिया है, देखिए संकेत ये दिया है कि यदि a स्टार b लिखा है तो आपको समझना ये है कि इसका मतलब है 2 a प्लस b, इसलिए हमें बताना है 5 स्टार 2। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 को a माने इसे b माने तो इसे क्या लिखेंगे, 2 विदिन ब्रैकेट a प्लस b, a का मान है 5 और प्लस b का मान 2, 5 2 7 2 ना 14, ये आपके ऑप्शन सी में। तो ये ऐसे प्रश्न जब भी आपको दिखे तो समझ लाइए जाइए कि ये हिंट दिया है, संकेत दिया है, उसी दिशा में आपको आगे बढ़ना है। चलिए एक अगले प्रश्न पर आते हैं, इंपॉर्टेंट मैंने संकेत किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में कंपटीशन में ये प्रश्न, इस स्ट्रक्चर का प्रश्न बराबर रिपीट होता रहा है। और अभी जस्ट हाल ही में 10 दिन पहले 15 दिन पहले अभी दीपावली के ठीक पहले एक पेपर हुआ था पीसीएस का, जिसमें सेम इसी स्ट्रक्चर का प्रश्न आया था और अलग अलग कंपटीशन में कई बार रिपीट हुए हैं ऐसे प्रश्न, इसलिए मैंने इस प्रश्न को सिलेक्ट किया है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, मतलब एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति जितने भी उपस्थित व्यक्ति हैं सबसे हाथ मिलाता है, मतलब हर एक व्यक्ति जितने भी उपस्थित व्यक्ति हैं पार्टी में सबसे हाथ मिलाता है यदि 66 बार कुल हैंडशेक हुए हो, मतलब कुल यदि 66 बार हाथ मिलाए गए हो तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति हैं। आपको बता दें जब कोई क्रिया कोई घटना केवल एक ही बार संपन्न हो तो इस स्थिति में कुल संख्या बराबर होता है n into n minus 1 by 2। क्या होता है, कोई क्रिया कोई घटना जब केवल एक ही बार संपन्न हो तो ऐसे स्थिति में कुल संख्या बराबर होता है n into n minus 1 by 2। अभी मैं उसे स्पष्ट भी करा दूंगा, घटना यहां पे क्रिया एक बार संपन्न हो रही है, एक बार कैसे, क्योंकि हर एक व्यक्ति जैसे हम कहते एक क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न कराया गया जिसमें प्रत्येक टीम सभी उपस्थित टीमों से एक एक मैच खेलती है, तो बताइए इस प्रकार कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न जब बने
या एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों को एक गिफ्ट एक एक गिफ्ट देता है, यदि कुल इतने गिफ्ट प्राप्त हुए तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति, ऐसे जब प्रश्न बने तो क्रिया एक बार संपन्न होती है और ऐसे स्थिति में कुल संख्या का यह कॉन्सेप्ट प्रयोग में लाया जाएगा। तो चलिए कुल हैंड से, कुल हैंड से हुए हैं 66, कुल हैंड से कितने हुए हैं, पार्टी में हर व्यक्ति एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाता है, तो अब देखिए कुल कितनी बार हैंड से हुए, 66 बार, तो कुल हैंड से की संख्या है 66, दो इधर आएगा गुणा हो जाएगा बराबर n into n minus 1, 66 दुना 132 बराबर n into n minus 1। अच्छा मैं देखिए दो चीजें हैं, यदि आप n का गुणा करें इसमें तो n square minus n, n का गुणा करिए n square minus n minus 132 बराबर 0, द्विघात समीकरण बना। अब फैक्टर करके गुणनखंड करके हल करेंगे समय लगेगा, ऐसे स्थिति में क्या करें गुणनखंड करना पड़े तो सीधा ऑप्शन ले लीजिए, सीधा क्या करिए ऑप्शन लीजिए और ऑप्शन से n का ऐसा मान सेलेक्ट करिए कि बराबर 132 आ जाए। तो चलिए देखिए क्या हो सकता है, यदि n का मान कहां चला गया जी, यदि n का मान हम ऑप्शन ए को सेलेक्ट करें 11, तो n का मान 11 रखें तो 11 फिर ब्रैकेट में 11 माइनस 1 मतलब 10, तो 11 गुणा 10 110 हुआ, मतलब 132 नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब n का मान यदि हम 12 एक्सेप्ट करें बी ऑप्शन से, तो यहां पे 12 रखें तो ब्रैकेट में 12 माइनस 1 11, तो 12 गुणा 11 बराबर 132 आ गया, चलिए ऑप्शन हमारा होगा बी, मतलब n बराबर यदि हम 12 रख लें तो 12 अब ब्रैकेट में 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, n का मान 12 रखें तो गुणा 12 माइनस 1 कितना 11, ये गुणा कर लीजिए 132 के बराबर आ गया, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है बी। आपको द्विघात समीकरण बना के फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, तो पार्टी में कुल उपस्थित व्यक्ति 12। तो इस क्रम को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। चलिए मैंने कहा कि अभी इसे स्पष्ट करा दूंगा, तो अब ऐसा कि पार्ट को ओपन करने से चूंकि आपके पास समय कम है तो बस इतना ध्यान देना, कोई क्रिया जब एक बार संपन्न हो तो कुल संख्या बराबर n into n minus 1 by 2 प्रयोग में लाइएगा। चलिए एक अगला प्रश्न इकाई के अंक से है, 7 पर घात 95 है माइनस 3 पर घात 58 है, इसमें इकाई क्या होगा, चलिए सॉल्यूशन देखिए। इकाई का अंक प्लेलिस्ट वीडियो में पड़े हुए हैं हमारे, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे उसमें मैंने अपना तरीका बताया है, और उसमें यह बताया गया था, अभी मान लिया जो वीडियो नहीं देखे हुए इकाई के अंक से, तो हमने ये बताया था घातांक के क्रम में इकाई का अंक निकालना हो तो केवल आधार में इकाई का अंक सेलेक्ट करिए और जितनी घाते दी गई हो 4 से भाग करें, 4 से भाग देने का रीजन भी मैंने स्पष्ट किया था, पार्ट को एक एक सीरीज को ओपन किया था, मतलब आधार में इकाई का अंक नोट करिए, जितनी घात दिया गया हो उस घात में 4 से भाग करिए और भाग करने के बाद जितना शेष फल है बस उतनी ही बार रिपीट करना, मतलब 7 का गुणा 7 में 95 बार नहीं करना, तब कितनी बार गुणा करना, तो ऐसा करना कि 95 में 4 से भाग कर लीजिए, क्योंकि किसी संख्या का उसी संख्या में 4 बार और गुणा कर देने से इकाई का अंक फिर वहीं से प्रारंभ होता है जहां से क्रम की शुरुआत होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं 95 बार तो हम 7 गुणा 7 गुणा 7 लिखेंगे नहीं, कितनी बार लिखेंगे, आप घात में 4 से भाग करिए जितना बच जाए बस उतनी ही बार 7 गुणा 7 लिखेंगे। इसी तरीके से 3 का गुणा 3 में 58 बार नहीं गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 58 बार, बल्कि 4 से भाग कर दीजिए और जितना बच जाए बस उतनी ही बार रिपीट करना बस। तो अब बताइए 7 पर घात 95 में 4 से भाग करेंगे तो 3 शेष आएगा, माइनस 58 में 4 से भाग करेंगे 2 शेष आएगा, चलिए 7 पर घात 3 हुआ माइनस 3 पर घात 2, तो 7 का क्यूब 343 होगा, आप पूरा लिख लीजिए और 3 का स्क्वायर 9, 13 में से 9 गए कितना 4। देखिए दरअसल कंफ्यूजन हो जाता है, आप ऐसा करते हैं कि 7 का क्यूब 343 में इकाई 3 है और 3 का स्क्वायर 9, तो ऐसा कर लेते हैं तो आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 में से 9 घटाए -6 है, तो -6 ऑप्शन में देखेंगे तो 6 दिया है, तो आप माइनस हटा के जल्दबाजी में 6 कर जाते हैं, वो गलत हो जाएगा क्योंकि कोई संख्या ऐसे बनेगी नहीं जिसमें इकाई का अंक
निगेटिव हो सिवाय एकल अंकी के, तो निगेटिव नहीं एक्सेप्ट होगा। ऐसे स्थिति में क्या करना, ये जब आप केवल इतना कर लीजिएगा बाय द वे, तब आपको बस इतना ध्यान देना ये केवल इकाई है। जब सात का गुणा सात में 95 बार गुणा करेंगे, न जाने कितने अंकों में जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख करोड़ न जाने कितने डिजिट में होगा। ऐसे क्रम में आप बगल से हासिल ले लिया करिए, जैसे मान लिया इतना ही लिख रहे हैं कि सात का क्यूब 343 में इकाई 3 हो गया, 3 के स्क्वायर में इकाई 9 है, तो 3 में से 9 माइनस 6 नहीं करना बल्कि बगल से हासिल कर लेना, क्योंकि इसके पीछे कई अंक है ना, तो 13 में से 9 गए कितना 4, इस तरीके से उत्तर करिएगा, है ना। तो 4 ऑप्शन आपके बी में बताया हुआ है। आइए एक अगले प्रश्न पर देखें। इसमें लिखा हुआ है कि 256 गुणा 256, यदि 256 को a माने तो a गुणा a मतलब a स्क्वायर, और 144 को b माने तो b गुणा b b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस b, अब दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, अब बटे कितना है 112 लिख सकते हैं कि नहीं, a गुणा a a स्क्वायर माइनस b गुणा b b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4 100 गुणा 256 में 144 घटाइए, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 1 गए 1, बटे कितना 112 यहां से कैंसिल हुआ, हमारा उत्तर कितना आया 400 आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ। चलिए एक छोटा सा सवाल यहां पे सीरीज के इस क्रम में मैंने यहां पे लास्ट पर रखा हुआ है, इसमें हमने दिया है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो देखिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या आप जल्दबाजी में जीरो उत्तर कर जाते हैं, नहीं, जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, पूर्णांक का डेफिनेशन क्या होता है, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर डेफिनेशन क्या होता है, पूर्णांक संख्या की परिभाषा होती है कि समस्त ऋण पूर्ण संख्या जीरो सहित समस्त धन पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, मतलब जितनी भी निगेटिव में पूर्ण संख्याएं हैं जीरो को शामिल करते हुए जितनी भी धनात्मक में पूर्ण संख्या होती है वो सभी पूर्णांक संख्या होती है। कहने का मतलब यह है पूर्णांक संख्या को यदि इंडिकेट करे समस्त ऋण पूर्ण संख्या माइनस इस तरीके से होते हुए -3 -2 -1, उसके बाद जीरो सहित जितनी भी धनात्मक में संख्याएं होती है ये पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पूछा है, तो क्या -3 होगा, नहीं, देखिए जीरो से पीछे -1, इसके पीछे -2 -3 -4 -5 -6 -7, न जाने कहां पे समाप्त होगा, आप ये कह सकते हैं निगेटिव में इनफाइनाइट, और ये पॉजिटिव में सबसे बड़ी होगी, मतलब माइनस में अनंत होगी, हम जीरो नहीं कह सकते, जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या की परिभाषा होता है कि जीरो सहित समस्त प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, तो सबसे छोटी पूर्णांक तो जीरो है नहीं, जीरो से पीछे देखिए -1 -2 -3 इस तरीके से माइनस अनंत तक जा रहा है, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। C and D cannot define, प्राप्त नहीं किया जा सकता, या निगेटिव में इनफाइनाइट होगा, तो ऑप्शन हमारा होगा D। तो ये इस सीरीज का क्रम रहा। वैसे मैंने पहले बताया कि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने ताकि आप इसे छोटे छोटे एक पार्ट में करके देख सकें, तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रख रहे हैं, और अगला वीडियो भाग 7 को हम लेकर तुरंत आ रहे हैं। मैंने आपसे एक बार कहा पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, समय जरूर कम है, बीच में उधर दीपावली की छुट्टी पड़ गई तो उधर वीडियो बन नहीं पाए इधर, और उसके पीछे क्लास इतने ज़्यादा थे कि वीडियो में थोड़ा समय नहीं दे पाए, दरअसल 12 से 13 घंटे ऑफलाइन क्लास रहता था, उसके बाद लाइव होना बड़ा एक थकान सी हो जाती थी, फिर भी प्रयास ये किया गया कि आपको मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड कर दी जाए,
तो उधर जितना हो सका मैंने कर दिया था, और यहाँ पर अब चूंकि समय है हमारे पास तो, और आपके पास समय नहीं है, बड़ी यहाँ पे कंट्राडिक्शन रहा, लेकिन फिर भी जो प्रश्न आपके लिए जारी किए जा रहे हैं एक बार समय निकाल के देखते रहें। हमें पता है कि कई सब्जेक्ट है, कई पार्ट पढ़ना है, फास्ट रिविजन करना है, क्योंकि आपने पीछे जितना भी पढ़ा है रिविजन ना किया जाए तो सभी बेकार हो जाते हैं। पता चला पढ़ी पढ़ाई चीजों में कंफ्यूजन होने लगे, तो रिविजन जरूरी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मेरा ही सब्जेक्ट आप जरूर देखिए, हर विषय को आपने पिछले क्रम में रिविजन किया हुआ है, एक बार फास्ट निगरानी सब पर रखिएगा, अवलोकन पुनर्विलोकन करिएगा हर टॉपिक की, और उसी बीच समय निकाल के, है ना, अब ये आपका जो एक से दो दिन का समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक समय उपयोग में लाइएगा। आप खाना भी खा रहे हैं तो भी आप वीडियो प्ले कर लीजिए और ध्यान से देखते रहिए। गणित जैसे विषय में दोहरे काम एक थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप देखें, तो मैं रुक रुक के बड़े आराम से बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आप हर चीजें गेन करते रहें, जितनी चीजें सीखें। मैं क्लास जब अपना पूरा शुरू करता हूँ तो बात इसलिए कम करता हूँ ताकि आप वीडियो में जितना भी समय दे रहे हैं, देखने में जितना भी समय दे रहे हैं, आप उससे कुछ हासिल करिए, जितनी भी देर इन्वॉल्व रहिए कुछ सीखिए। तो यहाँ पर एक बार जब 60 में देखेंगे तो ये चीजें तुरंत का पढ़ा हुआ बिल्कुल माइंड में सब सेटअप रहेगा। तो एक और वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें कोशिश करेंगे आपका ये 73 प्रश्न हुआ है 85 से 90 प्रश्न करा दें और उतना देख लीजिएगा, काफी हेल्प आपको जरूर मिलेगा। तो एक अभी अंतिम वीडियो हम और लेकर आएंगे, जरूर देखिएगा। और लास्ट में मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि लास्ट में कमेंट वगैरह जरूर कर दिया करिए, इससे देखिए ये लगेगा कि हमने किस सेक्शन को छोड़ा अधूरा है। मैंने कोशिश की है कि पूरे माध्यमिका बहुलक तक के प्रश्न और सारे सिलेबस को, वो चाहे पैटर्न का प्रश्न, जबकि पैटर्न के प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट वगैरह में कम दिए गए, मैं कोशिश किया हूँ कि 1 से 2 प्रश्न पैटर्न का भी रखें, तो सारे प्रश्नों को कवर कराने की कोशिश की गई है। कमेंट अपने जरूर दीजिएगा ताकि कुछ और अच्छा आपके लिए कर सकें, और उसके बाद अपनी शुभकामनाओं के साथ और ईश्वर से ही प्रार्थना होगी कि आप परीक्षा में सफल हो। आपने इतना मेहनत किया है, रात रात जुड़े रहे हमसे और वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, बहुत अच्छा लगा। जब बाद में, चूंकि समय नहीं होता, बाद में जब हम लोग थोड़ा देखते हैं तो आपके इन कमेंट से ही हमें उत्साह मिलता है और अच्छा करने की। तो आपके इस परीक्षा में शुभकामनाओं के साथ, अगली परीक्षा आपके मेंस लिखित शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए फिर से उसी जोश और उत्साह के साथ मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रख रहे हैं, अगले वीडियो को हम तुरंत फिर से लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा देखने और जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।